रुक जाओ, कोई आगे मत जाना, रुक जाओ। अरे इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? गोपाल का गैस लीक हुआ था ना, यहाँ गोपाल का गैस लीक हुआ है, गोपाल का, कोई आगे मत जाना, रुक जाओ, रुक जाओ। वाह, क्या आइडिया दिया था जनाब ने, तेरी आवाज सुनकर तेरा डांस देखकर अंदर हो जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। साली कोई नौकरी वोकरी तो मिली नहीं, यहाँ अंदर हो गए। ओह अरे बाप रे, ये भी अंदर आ गया, लगता है बड़ा खटमल है, लेकिन हमारे साथ कैसे आ गया अंदर? बंद कर अपनी ये बकवास, अब थोड़ी देर में हमारे कर्जदार भी हमारे साथ होंगे, जिनसे कपड़े भाड़े पे लिए थे, वो बैंड बाजा भाड़े पे लिया था, वो सब तुझे खटमल की तरह मसल डालेंगे देखना। अच्छा हे भगवान, हमको जेल से बाहर मत निकालना। चलो बाहर निकलो, तुम्हारी जमानत हो गई। जमानत हो गई? हमारी जमानत कौन कर सकता है, हैं? कमाल है। क्या कर रहे आपने? जी हाँ, कल रात मैंने आपको सड़क पर गाते हुए देखा। जी हाँ, वैसे ही बहुत अच्छा गाते हैं आप। यार हमने तो नौकरी ढूंढने चले थे, ये तो छोकरी मिल गई। ये छोकरी शायद नौकरी दिला दे। जी नहीं नहीं, नौकरी नौकरी नौकरी। आप बेरोजगार हैं? जी। फिर आप किसी होटल में सिंगर की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? अरे मेम साहब, इसी नौकरी के चक्कर में वो रोड साइड पर रेड लाइट ग्रीन लाइट का चक्कर चलाया था, लेकिन वो तो ब्लैकआउट हो गया। अब वो चक्कर का चक्कर तो चला नहीं, लेकिन यहाँ का चक्कर लग गया। शायद इस होटल में सिंगर की जगह खाली है। रियली? शिवा, आप इसी होटल में काम करती हैं? जी वो नौकरी के लिए कोशिश की होगी, मिली नहीं होगी। देखिए आप यहाँ साइन कर दीजिए। जमानत का बहुत बहुत शुक्रिया। संगीता जी, संगीता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखिए ना, पहले से मैं कितना दुबला हो गया हूँ। पहले मेरी कवर 40 की थी, अब 39 की हो गई है। पहले मेरा वजन 96 का था, अब एक ही साल में 95 का हो गया। व्हाट अ चेंज, व्हाट अ चेंज। गंगाधर प्रसाद, यस, अगर तुम हर एंगल से 16 साल की दिखने लगे, yes. फिर होगा क्या? मतलब ये, अगर तुम दुबले भी हुए, पतले भी हुए, सुकड़े भी हुए, तो भी मुझ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। देखिए दुबले और पतले से क्या फर्क पड़ता है, दिल तो अभी जवान है ना, और अक्सर मैं आप ही के बंगले के आसपास चक्कर काटता रहता हूँ। वैसे तुमसे भी बहुत ज्यादा हैंडसम लड़के मेरे बंगले के सामने से गुजर जाते। आज के दिन सावित्री ने भी बड़ की पूजा की, और धर्मपत्नी, आज के दिन मेरा भाव भी बढ़ जाता है। लेकिन बात यह है, ये दिन साल में एक ही बार क्यों आता है, बार बार क्यों नहीं आता है? आप खामोश भी रहेंगे या ये पैर नहीं वो पैर? नहीं, बात यह है कि आज के दिन ही तो बोलता हूँ। धर्मपत्नी, साल के बाकी 364 दिन तो तुम ही बोलती रहती हो। देखिए जी, हमें फजूल बातें सुनने की आदत नहीं है, लेकिन आज मेरे पैरों की बड़ी जबरदस्त किस्मत है। मैं आपसे कह देती हूँ, औरत जात चाहे लक्ष्मी हो चाहे सरस्वती, जब तक पति के चरणों में न बैठे तब तक पत्नी नहीं कहलाती। अब आप मेहरबानी करके ये पैर हटाएंगे? इतनी जल्दी? सारी जिंदगी इस थाली में ही पैर धरे बैठे रहेंगे क्या? ओहो, अरे संगीता बेटी, इतनी सुबह तुम कहाँ से आ रही हो? मम्मी, आप सुबह सुबह पूजा कर रही हैं और मैं दान धर्म का काम करके आ रही हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक कर रही हो। हाय डैडी। क्या गजब करती हो, कहीं तुम्हारी माँ ने देख लिया तो इस झूठ को सड़े हुए फ्रूट की तरह बाहर फेंक दे। ओह डैडी, ये इम्पोर्टेड है। अच्छा ठीक है, डैडी को झूठ का मक्खन तो लगा लिया, अब मतलब की बात पर आ जाओ। डैडी, एक एक लड़का है। लड़का? नहीं नहीं, एक झूठ से इतना खतरनाक काम मुझसे नहीं होगा, वो शादी ब्याह मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। ओ डैडी, शादी ब्याह की नहीं, हमारे होटल में एक लड़के को नौकरी दिलाने की बात कर रही हूँ। नौकरी? अरे जिसकी खुद की कुर्सी छीन गई हो, वो दूसरे को कैसे नौकरी दिला सकता है? प्लीज डैडी, इस लड़के को अपने होटल में आपको नौकरी दिलानी ही पड़ेगी, बेचारा बहुत ही जरूरतमंद है। उसने नौकरी पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, मगर सिवाय नाकामी के उसे कुछ नहीं मिला। डैडी, सिर्फ तेरी आंखों से ही नहीं, तेरी बातों से भी उसके लिए दर्द टपक रहा है। डैडी, अगर आप उसकी हालत देखते, उसकी कहानी सुनते तो, और फिर अच्छी आवाज है उसकी डैडी, बहुत अच्छा गाता है, और हमारे होटल में एक गाने वाले की जरूरत है ना डैडी। अगर गाने वालों का इंटरव्यू लेना तुम्हारी माँ का कार्यक्रम है, मैं कैसे हाँ कर सकता हूँ? ओहो डैडी, कुछ भी कीजिए, उससे ये नौकरी मिल जानी ही चाहिए बस। ये दूध मेम साहब के लिए है ना? साहब मुझे
और तुम जाके मेरी दवा लाओ। मगर साहब, अजी सुनिए, अजी सुनिए। क्या हुआ, क्या हुआ? देखिए, आज मैंने कुछ लोगों को ऑफिस में इंटरव्यू के लिए बुलाया है, आप चले जाइए ना। अरे मैं तो कभी इंटरव्यू नहीं लेता। अरे आप समझते क्यों नहीं, जाइए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, मैं जाता। प्लीज। तो तुम यहाँ कौन सी नौकरी के लिए आए हो? सर, गले में सुरों का समंदर है, हाथों में संगीत का हुनर है, और आपके होटल में गाने वाले की नौकरी खाली है। तुम रहने वाले कहाँ के हो? जी, पिताजी लाहौर के थे, दादाजी भी लाहौर के थे, मगर मैं दिल्ली वाला हूँ सर। दिल्ली वाला। पिताजी का नाम? जी, ज्ञानीनाथ शर्मा। अच्छा जी। अरे तब तो तुम केदारनाथ शर्मा जी के होते हो? जी हाँ। वो तो करोड़पति आदमी थे। सर, जो करोड़पति लोग होते हैं उनका अगर फायदा करोड़ों में होता है तो घाटा भी करोड़ों में हो जाता है। बस बिजनेस में जबरदस्त नुकसान हुआ। सिर्फ दौलत और बिजनेस ही नहीं, वक्त के हाथों दादाजी, माँ बाप सब छिन गए। उसके बाद बस अपनी दुनिया अपने ही कंधों पे खींचनी शुरू की और यहाँ तक आ पहुंचा। तो फिर कल से नौकरी पर आ जाओ। रियली सर? थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। कल जिनको होटल में गाने के लिए रखा गया है उन्होंने ये लिस्ट दी है। तो आप हैं मिस्टर अमर? यस मैम। कल ही हमारे होटल में तुम्हें नौकरी दी और आज तुमने सलाह देना भी शुरू कर दिया। नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। बात यह कि जिस माइक्रोफोन पर मैं गाऊंगा उसके स्पीकर्स बहुत पुराने हो चुके हैं। मिस्टर अमर, हमने ये होटल लोगों के रहने और खाने के लिए बनाया है, उन्हें तानसेन की आवाज में राग सुनाने के लिए नहीं। मगर मैडम, म्यूजिक भी तो आपके होटल का, आपके बिजनेस का हिस्सा है। बिजनेस में क्या करना है क्या नहीं हमें अच्छी तरह मालूम है। आजकल नाच गाना और डिस्को होटलों का फैशन बन गया है, इसलिए हम मजबूर हैं, वरना म्यूजिक और नाच गाने से हमें सख्त नफरत है। ठीक है मैडम, जैसा आपका है। Excuse me. यार इन अमीरों के असूल भी कमाल के हैं। हम गरीबों के जज्बात को ऐसे कुचल देते हैं जैसे बनिया हमाम दस्ते में धनिया कुचल देता है। इसलिए तो मैं इन अमीरों को कोई आइडिया देता नहीं हूँ। एक तो वो लोग आइडिया लेते नहीं, अगर आइडिया लेते हैं तो बदले में कुछ देते नहीं है। ये अमीर लोग बड़े कंजूस होते हैं। यार मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। अरे ये गरीबों को बेइज्जत करके तो इज्जत कमाते हैं, क्योंकि इनकी अपनी कोई इज्जत होती नहीं है। ऐसे ही तो ये लोग इज्जतदार बनते हैं। यार तो मेरा भेजा मत कर और बकवास बंद कर। अरे क्या तो करे, मैं बकवास कर रहा हूँ? मैं जो है गरीबी के लेवल को ऊंचा कर रहा हूँ और अमीरी के लेवल को नीचा कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा जो लेवल है वो मिलके कहाँ गया। अरे संगीता जी, आपने जो सलाह दी उसका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे नौकरी मिल गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ केटरिंग का काम संभालती हूँ। कमाल है, गाना गाने का काम नहीं मिला तो खाना पकाने का काम कर लिया है। एक बात बताए संगीता जी, इस होटल की जो मालकिन है ना, अजीब किस्म की है। हाँ, बड़ी कंजूस भी है, उन्हें संगीत से कोई लगाव ही नहीं है। हाँ, बड़े बुरे कह गए हैं कि जिन लोगों को संगीत और फूलों से लगाव ना हो वो खून भी कर सकते हैं। संगीता, अब देखिए ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जी ओ, ये लोग लेन देन कर रहे हैं, एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। शुक्रिया? किस बात का शुक्रिया? ये सब क्या हो रहा है? बेटी, फॉरेन से कुछ ग्रुप आ रहा है, तुमने खाने पीने का अरेंजमेंट कर दिया है ना? जी मम्मी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, ये आपकी मम्मी थी? कैसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें डैडी दिखाई दे रहे? नहीं नहीं, मैंने मतलब इनकी मम्मी थी ना वो। यस यस, वैसे बहुत अच्छी हैं। और आपने कितनी तरक्की की, क्योंकि बड़ी बड़ी हुकूमतें चला रही हैं। वेरी गुड। इनको देखो, इनको देखो, इतनी बड़ी होटल की कैंटीन चला रही है। कैंटीन नहीं, केटरिंग। केटरिंग चला रही है। वैसे आपने बहुत बड़ा सरप्राइज दिया हमें। ये बताया तक नहीं कि जहाँ हमें नौकरी दिलाई जा रही है आप उसके मालिक की बेटी हैं। सरप्राइज देना तो हमारी खानदानी आदत है। बहुत अच्छी आदत है। वेरी गुड, वेरी गुड इज होटल। होटल बाबा, क्या होटल बाबा? ये मेरी मम्मी का क्रिएशन है। मम्मी ने अगर सबसे खूबसूरत, अनमोल और जबरदस्त चीज बनाई है तो वो ये होटल है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। वैसे अगर आपकी मम्मी ने कोई अनमोल, खूबसूरत, जबरदस्त चीज बनाई है
तो वो सिर्फ आप हैं।